हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। और आज हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन जो है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे सामने आया है। जिस तरह से कोरोना की जो ये बीमारी है ये फैल रही है, उससे बहुत लोगों का उत्साह टूटा है और बहुत लोगों की आस्था भी संकट में आई है। तो यही वक्त है कि हम अपनी आस्था को वापस प्रगाढ़ करें। और हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है वो त्याग समर्पण की पराकाष्ठा है। मतलब अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया और बदले में उन्होंने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं। चाहे वो संकट की घड़ी में जाके संजीवनी बूटी लाना हो, फिर चाहे वो भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता करवाना हो, माता सीता की खोज करना हो, ऐसी कई घटनाएं उनके जीवन से हमें प्रेरित करती हैं, जहाँ पे उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने समर्पण का पूरा पूरा परिचय दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने पत्रक अपने अंग अवयवों में लिखा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति हनुमान के स्तर का हो। हनुमान के स्तर का हो का अर्थ है कि समर्पण जो है हमारा, दूसरों के प्रति जो हमारी सद्भावना है, जो कंपैशन है, वो उच्च कोटि का हो। हनुमान जैसा होना, हनुमान जी के गुणों को अपने अंदर धारण करना है। एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने आज किया है इस हनुमान जयंती के अवसर पे। विभिन्न परिजनों ने अपने परिवारजनों के साथ या अकेले ही हनुमान चालीसा का उच्चारण किया है। प्रार्थना में बुरे समय को, संकट को टालने की शक्ति है, और यही इस इनिशिएटिव को आज करने का के पीछे का आइडिया था। और इसका एक संकलन हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और यही आपसे भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि जो उत्साह है और जो हिम्मत है वो टूटने न दें इस कमज़ोर घड़ी में। अपने परिवारजनों के साथ रहें, अपने मित्रों के साथ, और जो भी आपके आसपास है जिनको थोड़े से संबल, थोड़े के सहारे की आवश्यकता है, उनको वो दें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, क्योंकि संकट से उबारने में बहुत बहुत मदद इस पाठ के करने से मिलती है। और बहुत ही आसान है समझने में, तो इससे ये जाहिर है कि हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है और जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, हम उनको यदि बार बार उच्चारित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ हम अपने अंदर भी इम्बाइब कर रहे हैं। तो यही इसका उद्देश्य है। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो अपने सभी परिवारजनों के साथ करें, और देखते ही देखते हमें पूरा विश्वास है कि ये जो संकट की घड़ी है हम इससे बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे। सभी को एक बार फिर से प्रणाम, जय गुरुदेव। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कष्ट भंजन देव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बनरौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तन जान के सुमीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश केहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे तो आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, राम चंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लग
हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योता ही मधुल फर जानु, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही, जल दिला दि गह अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहु को डरना। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसी